हेलो ट्रेडर्स, इस वीडियो के जरिए 4 अप्रैल के लिए यानी सोमवार के लिए सर बेस्ट इंटरडे स्टॉक लेके हैं, जिन स्टॉक में आप सोमवार को इंटरडे ट्रेडिंग कर सकते हो। इन 4 स्टॉक के ऊपर हम प्रेडिक्शन करेंगे और इसका एनालाइज आपके साथ शेयर करने वाला है, और साथ में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर प्रेडिक्शन करने वाला है। तो मंडे के लिए हमारा जो पहला इंटरडे स्टॉक होगा होगा पीफाइजर का स्टॉक में देखिए यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। आप देख सकते हो इन ट्रायंगल के बीच में ही ट्रेड कर रहे हैं। ऊपर का जो ट्रेंड लाइन है ये बार बार रेजिस्टेंस की तरफ काम कर रहा है। आप देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, और फोर्थ टाइम ऊपर की ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस है। तो मंडे का अगर ऊपर की ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे देता है यानी इसका ऊपर चले जाते हैं तो हम स्टॉक को बाय के लिए जाएंगे। 4374 स्टॉक को बाय करेंगे। पहला टारगेट होगा 4384, दूसरा टारगेट 4388 एंड 4366 पे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन अगर नीचे की लाइन को देखिए तो इसे एक सपोर्ट जोन है। देखिए वन टाइम, टू टाइम और थ्री टाइम यहाँ पर सपोर्ट है। तो मंडे को अगर नीचे की सपोर्ट को ब्रेक करते यानी नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे देते हैं तो हम स्टॉक को शॉर्ट करेंगे। 4339 पे स्टॉक को सेल करेंगे। पहला टारगेट 4329, दूसरा टारगेट 4319 एंड 4347 पे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 4 अप्रैल के लिए हमारा दूसरा इंटरडे स्टॉक होगा वेदांता। वेदांता के स्टॉक में देखिए यहाँ पर भी ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। आप देख सकते हो इस ट्रायंगल का जो नीचे ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन हमेशा सपोर्ट की तरफ काम कर रहे हैं। आप देख सकते हो वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर्थ टाइम, नीचे की ट्रेंड लाइन पे फोर टाइम सपोर्ट है। तो मंडे अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं यानी सपोर्ट को ब्रेक करते हैं तो हम स्टॉक को बाय के लिए जाएंगे, सेल के लिए जाएंगे। 404 पे स्टॉक को सेल करेंगे। पहला टारगेट 402, दूसरा टारगेट 400 एंड 406 पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। वही अगर ऊपर की लाइन को देखें ये एक रेजिस्टेंस लाइन की तरफ काम कर रहे हैं। आप देखेंगे दो टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो मंडे अगर ऊपर की लाइन को ब्रेक करते हैं यानी रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं तो हम स्टॉक को बाय के लिए जाएंगे। 411 पे स्टॉक को बाय करेंगे। पहला टारगेट 413, दूसरा टारगेट 415 एंड 409 पे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 4 अप्रैल के लिए हमारा तीसरा इंटरडे स्टॉक होगा एसएल टेक्नोलॉजीज। एसएल टेक्नोलॉजीज का स्टॉक में देखिए यहाँ पर फॉलिंग विज का पैटर्न बना हुआ है। आप देख सकते हो तो इन दोनों रेंज के बीच में ही ट्रेड कर रहे हैं। नीचे की ट्रेंड लाइन को देखिए ये बार बार सपोर्ट की तरफ काम कर रहे हैं। आप देखिए वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम नीचे की लाइन पर सपोर्ट है। तो मंडे अगर नीचे की लाइन को ब्रेक करते हैं यानी नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे देते हैं तो हम स्टॉक को शॉर्ट करेंगे। 1148 पे स्टॉक को शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट 1144, दूसरा टारगेट 1142 एंड 1152 पे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। वही अगर ऊपर की लाइन को देखा जाए तो ऊपर की लाइन हमेशा रेजिस्टेंस की तरफ काम कर रहे हैं। देखेंगे वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर्थ टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो सोमवार को अगर ऊपर की लाइन को ब्रेकआउट दे देता है यानी ऊपर की तरफ जाता है तो हम स्टॉक को बाय करेंगे। 1174 पे स्टॉक को बाय करेंगे। पहला टारगेट 1178, दूसरा टारगेट 1180 एंड 1170 पे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 4 अप्रैल को हमारा चौथा इंटरडे स्टॉक होगा डेल्टा कॉर्पोरेशन। डेल्टा कॉर्पोरेशन का स्टॉक में देखिए यहाँ पर राइजिंग विज का पैटर्न बना हुआ है। आप देखेंगे इन दोनों रेंज के बीच में ही ट्रेड कर रहे हैं। आप नीचे के ट्रेंड लाइन को देखिए तो बार बार एक सपोर्ट की तरफ काम कर रहे हैं। सपोर्ट ले रहे और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सपोर्ट ले रहे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मंडे अगर इस नीचे के सपोर्ट लाइन को ब्रेक करते हैं, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे देते हैं तो हम स्टॉक को शॉर्ट करेंगे। 330 पे स्टॉक को सेल करेंगे। पहला टारगेट 328, दूसरा टारगेट 326 एंड 332 पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। लेकिन अगर ऊपर की लाइन को देखा जाए तो बार बार एक रेजिस्टेंस की तरफ काम करें यानी बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है ये। तो मंडे अगर ऊपर की रेजिस्टेंस ब्रेक होता है यानी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देता है तो हम स्टॉक को बाय करेंगे। 341 पे स्टॉक को बाय करेंगे। पहला टारगेट 343, दूसरा टारगेट 345 एंड 339 पे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर प्रेडिक्शन करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कल का वीडियो में जो स्टॉक दिया था आज के सेशन के लिए वो मार्केट में किस प्रकार का परफॉर्मेंस दिया है। तो कल का वीडियो में जो पहला स्टॉक मैंने आपको दिया था वो था पॉलीकैप। पॉलीकैप का स्टॉक को मैं आपको बाय या सेल दोनों के लिए दिया था। मैं कहा था कि ऊपर की स्ट्रेल लाइन को ब्रेकआउट मिले, रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम बाय करना चाहिए। तो देखिए जैसे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे देता है, मैं जैसे बताया 2380 रुपये अगर आपने यहाँ पर बाय किया होगा तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर मिला होगा, क्योंकि मार्केट जो बहुत ऊपर ट्रेवल किया था। मुझे यहाँ पर 1800 रुपये का प्रॉफिट मिल चुका है। दूसरा स्टॉक दिया था इंडिगो, और इंडिगो का स्टॉक को भी मैं आपको फिलहाल ब्रेकडाउन मिला था, यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं। देखिए यहाँ पर भी बाय या सेल दोनों के लिए दिया था लेकिन नीचे की तरफ सपोर्ट को ब्रेक करता था। तो मैंने जैसे बताया 1998 पे अगर आपने यहाँ पर सेल किया होगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको यहाँ पर भी मिला होगा, क्योंकि दोनों टारगेट जो है यहाँ पर भी एग्जीक्यूट हो गया था और ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट था। तीसरा स्टॉक दिया था एसबीआई। एसबीआई का स्टॉक को फिलहाल
यहाँ पर मैं आपको सेल के लिए दिया था, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट ले लेता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन मैं आपको कहा था कि अगर सपोर्ट ले लेता है तो हमें बाय का भी ऑप्शंस बन सकता है। फिलहाल जितना भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्यों ना हो, अगर सपोर्ट ले लेते हैं और रेजिस्टेंस ब्रेक ना कर पाते, सॉरी सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाते, तो ऊपर की तरफ ही जाएगा ऑब्वियसली, और वैसा ही हुआ है। तो चौथा स्टॉक दिया था डेल्टा कॉर्पोरेशन, जो स्टॉक मैं आज के लिए कल के लिए भी दे रहा हूँ। लेकिन डेल्टा कॉर्पोरेशन में यहाँ पर ना ही ब्रेकआउट मिला था ना ही ब्रेकडाउन, वहीं दोनों जोन के बीच में ही ट्रेड करता है। लेकिन मंडे को इसका बाहर निकल गया, इसका एक ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि देखिए आखिरी बार यहाँ पर जो है 9-10 दिन से इसी ट्रेल लाइन पर ट्रेंड कर रहा है। अब देखेंगे आखिरी बार जो है 22 मार्च को यहाँ पर इस जोन पर आया था, उसके बाद यही जोन पर चल रहा है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं मंडे को। अगर हम निफ्टी की बात करें तो 4 अप्रैल को निफ्टी में आपको आज की तरफ फिर से एक बहुत ही अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आज जैसा सारे दिन एक बुलिश मोमेंटम था, बहुत ही अच्छा दिन था, तो आपको मंडे को भी इसी प्रकार का एक बहुत ही अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। और इसका वजह है ये रेजिस्टेंस। आप देख सकते हो निफ्टी का जो सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो था 17,650 का लेवल, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। लेकिन निफ्टी आज इतना तेज था कि पहले 17,550 का लेवल को ब्रेक करते हैं, उसके बाद 17,650 का लेवल को भी ब्रेक कर देता है, यहाँ पर भी रुक नहीं होता है। इसका मतलब आपको जो है मंडे को भी बहुत ही अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि अगला जो रेजिस्टेंस निकल कर आ जाता है निफ्टी के लिए वो 17,800 का लेवल पे, यानी बहुत ऊपर इसका दूसरा अगला रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब आपको मंडे जैसे मार्केट यहीं से ओपन होगा, अगर नीचे की इस रेजिस्टेंस को हिट करता है, सॉरी यहाँ पर अभी सपोर्ट बन चुका है इस रेजिस्टेंस, इस सपोर्ट को हिट करता है तो तुरंत बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। यानी इस सपोर्ट में अगर हिट हो जाता है, टास करता है, तो हम तभी कॉल का पोजीशन बनाना है। लेकिन गैप डाउन होता है, गैप डाउन का फिलहाल कोई भी चांस नहीं है, फिलहाल गैप अप मिल सकता है या यहीं से ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है। अगर गैप अप मिले तो हम पहले ही कॉल का पोजीशन नहीं बनाएंगे, गैप अप मिले तो ऊपर की तरफ नहीं भी जा सकते, पहले नीचे की तरफ भी आ सकता है। तो इसका मतलब अगर यहीं से ओपन हो जाए तो कॉल का पोजीशन बनाएंगे, लेकिन गैप अप मिले तो हम कॉल का पोजीशन नहीं बनाएंगे, हम देखेंगे ऊपर जाता है, इस रेजिस्टेंस को टास्क करता है या पर स्पेन करता है, यानी अगर स्पेन करता है तो मार्केट फॉल हो जाएगा, अगर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर जाने का और संभावना हम देखने को मिल सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो मंडे को बैंक निफ्टी में भी आपको बहुत ही अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो आज जहाँ पर ये स्टार्ट हुआ था उसके बाद एक भी रेड कैंडल नहीं बनाया था, फिर सिर्फ ग्रीन 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 ही, और इतना तेज़ी मैंने कभी देखा नहीं बैंक निफ्टी में, इतना बड़ा तेज़ी आपको देखने को मिला था, और इतना बड़ा तेज़ी आपको मंडे भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए मंडे को अगर बैंक निफ्टी की रेजिस्टेंस की पूरा लेवल को देखें तो 2 रेजिस्टेंस फिलहाल इसके बाद निकल कर आ जाता है। पहला जो रेजिस्टेंस आता है बैंक निफ्टी के लिए वो 37,350 का लेवल पे, दूसरा उसके बाद रेजिस्टेंस आता है 37,650 का लेवल पे, यानी 2 रेजिस्टेंस है। लेकिन फिलहाल जहाँ पर ये निफ्टी बैंक निफ्टी क्लोजिंग दे वो 37,100 का लेवल, जो इसका रेजिस्टेंस था, इसका ऊपर ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर स्टे किया है, मतलब आपको गैप अप भी मिल सकता है। यानी बैंक निफ्टी जो है वो आपको 4 अप्रैल को 37,300 का ऊपर या इसे गैप अप ओपन होकर ऊपर की तरफ ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है, इसका बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ब्रेक किया उसके बाद यहाँ पर स्टे किया है। लेकिन अगर यहीं से बैंक निफ्टी ओपन हो जाता है तो सबसे पहले यहाँ पर मार्केट स्पेन कर सकते हैं कुछ टाइम, उसके बाद अगर स्पेन करे तो आप कॉल का पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि स्पेन करेगा तो मार्केट बहुत ऊपर जा सकता है, हो सकता है आपको इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ दे और दूसरा रेजिस्टेंस की तरफ चले जाए। लेकिन अगर गैप अप मिले तो हम पहले कॉल का पोजीशन नहीं बनाएंगे, हम पहले देखेंगे कि निफ्टी कहाँ पर स्टे करता है, अगर इसकी 37,300 का लेवल के ऊपर स्टे करता है तो फिर निफ्टी ऊपर जाएगा, लेकिन अगर इसके नीचे स्टे कर जाता है तो दोस्तों आपको निफ्टी फॉल होता हुआ नज़र आ सकता है। तो इस रेजिस्टेंस को हमें याद रखना है, यानी जो 37,300 का जो लेवल है, इस लेवल को हमें ध्यान से देखना है, यहाँ पर अगर इससे ब्रेक कर दे तभी हम कॉल का पोजीशन बनाएंगे, इससे पहले हम कॉल का पोजीशन नहीं बनाएंगे। या अगर ब्रेक ना कर पाए तो स्टे करते हो तो मतलब बैंक निफ्टी फॉल हो जाएगा।